हम लोग कल वही पढ़ रहे थे पीएच वैल्यू, ठीक है। तो पीएच वैल्यू में हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि इससे सबसे पहले सोरेनसन ने दिया था, इस जो टर्मिनोलॉजी है पीएच, इसको सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया था, डेनिस के साइंटिस्ट सोरेनसन। तो सोरेनसन ने बोला कि देखिए इन्होंने क्या किया कि किसी एसिड की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए क्या किया, प्रपोज किया। इधर देखो, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कोई एसिड है तो उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए क्या किया, पीएच वैल्यू दिया। और पीएच डिफिनेशन के हिसाब से उन्होंने बोला कि जो पीएच होता है पीक यू लगा है पोटेंशियल के लिए यानी पावर के लिए, और ये लगा हाइड्रोजन आयन के लिए यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच उन्होंने बोला कि पीएच जो होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एक आपका इस तरीके से डिफिनेशन के हिसाब से हुआ। ऐसे पीएच देखो पी ओ एच आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, माइनस देखो यहां पे पी था एच था, तो अब क्या किया, पहले लिखे माइनस लिखे फिर लॉग लिखे फिर जो यहां पे लिखा था वहीं पे लिख दिए। वैसे यहां पे क्या होगा, माइनस लॉग लिखोगे और ओएच लिखा है यानी यहां पे हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। किसी का भी आप पी के ए पी के बी कुछ भी आप कर सकते हो, निकाल सकते हो ऐसे। और देखो अगर मैं यहां से बात करूं इस इक्वेशन से, इक्वेशन स्टार से, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, देखो एक बार इसको जब इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 10 का पावर माइनस पीएच, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 का पावर माइनस पीएच, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो दूसरे तरीके से कि पीएच इक्वल टू इस नेगेटिव 1 है ना, तो नेगेटिव 1 को मैं कर ले जाता हूं इस बगल, तो हो जाएगा लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का पावर माइनस वन, ठीक है, निगेटिव। अब फिर जब ऐसे लिखा है ऐसे एक्स पावर माइनस वन लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, वन पावर एक्स, वैसे इसको लिख सकते हैं लॉग वन बाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच। इससे एक चीज पता चल रहा है कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि देखो एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा पीएच वैल्यू उतना कम होगा, ठीक है। ऐसे इसको भी कम लिख सकते हो, एक इक्वेशन और बताया था कि जो पीएच और पीएच प्लस पीओएच दोनों का अगर आप योग करोगे कितना होगा, 14, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अच्छा कभी सोचे हो कि अच्छा अब देखो पीएच और पीओएच मतलब दोनों का योग का क्या होगा, 14 होगा, ठीक है, दोनों का योग, दोनों का समीकरण 14 होगा। तो अगर मैं एक पीएच स्केल बनाऊं, ठीक है, पीएच स्केल एक लाइन में से ड्रॉ करो, तो हम क्या है देखो ये जो पीएच स्केल होता है कहां से कहां वेरी करता है, 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है। मान लो ये 0 है और मान लो ये 14 है तो बीच में इसके पड़ेगा 7, ठीक है, इधर कहीं 6 पड़ेगा, 5 पड़ेगा, 4 पड़ेगा, 3 पड़ेगा, 2 पड़ेगा, मैं यहां पे देखो 6 5 4 3 2 1, ठीक है, इधर 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन या किसी भी सब्सटेंस का पीएच कितना है, 7 है, तो क्या कहलाएगा, ये न्यूट्रल कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, 7 से 14 के बीच में कहीं पर भी अगर किसी सॉल्यूशन का या किसी सब्सटेंस का पीएच है तो बेसिक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। अगर किसी सॉल्यूशन का या सब्सटेंस का पीएच 7 से कम है तो क्या बोलेंगे, एसिड। अच्छा बात ये है कि चलो ठीक है, समझ में आया कि पीएच अगर 7 होगा तो न्यूट्रल कहलाएगा।
अगर पीएच 7 से कम होगा तो एसिड, अगर पीएच 7 से ज्यादा होगा तो बेस। लेकिन बात यह है कि 0 से 14 के बीच में जो इसका रेंज है 0 से 14 तक पीएच वेरी करता है, क्या 0 से नीचे भी हो सकता है क्या? 0 से नीचे भी हो सकता है क्या? देखो एक जो 0 से 14 के बीच में डिजाइन किया गया है पीएच को, देखो ये अपने कंफर्टेबल के हिसाब से किया गया। किस हिसाब से? कंफर्टेबल। और अगर आप बात करोगे डिफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, जो आप लैब में सॉल्यूशन यूज करते हो, ठीक है, वो लैब में जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर से कम ही होता है कि या इक्वल होता है, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन यूज सॉल्यूशन यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो 14 से 0 से 14 के बीच में है ये क्या है? अपने कंफर्टेबल के हिसाब से है, ऐसा नहीं है इससे भी 0 से नीचे भी पीएच जा सकता है, लेकिन वैसा सॉल्यूशन मिलता नहीं जल्दी आपको, वैसा सॉल्यूशन आपको जल्दी मिलता नहीं है। तो अभी मैं इसको आगे चलूं, ठीक है, आगे चलता हूं। देखो बात ये नहीं है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर आप पढ़ चुके हो। इंडिकेटर ऐसे सबस्टांस होते हैं जो एसिड में कुछ और रंग देते हैं और बेस में कुछ और रंग देते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं कि कौन सा सबस्टांस एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। इंडिकेटर भी कई तरह के होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, मोलेक्युलर इंडिकेटर। कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो रंग चेंज करने पर आपको बता देते हैं कि कौन सा क्या सबस्टांस है, और कुछ स्मेल के आधार पर बता देते हैं। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर की आप बात करोगे, जैसे मान लो कि देखो ड्रॉबैक क्या था, जो सिंपल था इंडिकेटर, जैसे मान लो लिटमस पेपर था, तो अगर लिटमस पेपर है तो अगर मान लो कि लिटमस पेपर में तुमने एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया? एसिड, तो क्या करेगा ब्लू लिटमस पेपर, क्या करेगा? रेड कर देगा। लेकिन अगर ब्लू से रेड लिटमस पेपर का रंग चेंज हो जाता है तो हमको ये नहीं पता चल रहा है कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कितना है, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, या उसका पीएच कितना है, हमें कुछ इसकी आइडिया नहीं चल रही है। लेकिन अगर यहीं पर हम कुछ ऐसा इंडिकेटर यूज करें जो हमें बता सके कि रंग तो चेंज करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है इंडिकेटर है तो रंग चेंज करेगा, लेकिन साथ साथ में ये भी बता सकता बता दे कि उस एसिड का पीएच कितना है, केवल अपने रंग के चेंज करने की बेसिस पे, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेटर के लिए हमने एक न्यू इंडिकेटर क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर तो कई सारे इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन होता है, कई सारे इंडिकेटर को मिला करके बनाया जाता है। जैसे मिथाइल ग्रेड आपका एक इंडिकेटर है, मिलाया जाता है मिथाइल ग्रेड, मिथाइल ग्रुप, फिनाफ्थेलिन, ठीक है, और मेथिल ऑरेंज, एनपीरिडीन, ये सब इंडिकेटर मिला करके, कई सारे इंडिकेटर को मिला करके यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर पर सवाल आया था जबकि वैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर, ठीक है। और खास बातें होती है इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कि इसे पेपर फॉर्म में आप चाहो तो इसका पेपर भी बना सकते हो, पेपर फॉर्म में यूज कर सकते हो या सॉल्यूशन फॉर्म में, दोनों में कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका खास बात होती है। अगर मैं बात करूं कलर चेंज की, किसकी बात करूं? कलर चेंज की, मतलब किस पीएच रेंज में यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा रंग देगा, तो एक हमको डाटा बनाना पड़ेगा और डाटा याद रहना चाहिए। अगर वो डाटा नहीं याद है तो एक दो नंबर आप मिस हो सकते हैं, जैसे पी वाई को बता रहा हूं, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर किस पीएच रेंज में कौन सा रंग देगा, इसलिए डाटा बनाते हैं। डाटा ऐसे मान लो पीएच आपका, ठीक है, पीएच आपका यहां से स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। कलर
और पीएच दो चीजें हैं, पीएच कलर है, दो कॉलम बनाते हैं। जीरो हो सकता है आपका, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। और मैं इधर क्या करता हूँ, फिर से पीएच लिख देता हूँ, पीएच और कलर। तो सेवन में इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन तक रखते हो, ठीक है। तो अगर जीरो है, अगर सुनो, अगर किसी समीकरण का पीएच क्या है, जीरो है, ठीक है, उस सॉल्यूशन का अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच जीरो होगा तो इन्वर्सल इंडिकेटर उसके साथ में डार्क रेड कलर देगा, क्या देगा, डार्क रेड कलर देगा। अगर वन है किसी सॉल्यूशन का तो देगा रेड कलर, क्या देगा, रेड कलर। और दो है तो भी रेड कलर देगा, दो है तो भी रेड देगा। अगर थ्री है तो ऑरेंज रेड देगा, क्या देगा, ऑरेंज रेड कलर देगा। मतलब प्योरली रेड नहीं होगा, उसमें आपको थोड़ा ऑरेंज टाइप का दोनों को मिक्स करके उसमें रंग देगा, ठीक है। आप आसानी से पहचान सकते हो कि केवल रेड नहीं है, इसमें ऑरेंज कलर भी शामिल है, ठीक है, अगर पीएच थ्री होगा, ठीक है। और अगर आपका फोर हुआ, फाइव हुआ, सिक्स हुआ, फोर है तो जो ऑरेंज रेड था थ्री पे, अब ये रेड वाला कट जाएगा, केवल ऑरेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होगा, संतरे वाला कलर का। फाइव है तो आपका ग्रीनी सेल हो जाएगा, ग्रीनी सेल हो जाएगी, फाइव है तो ऑरेंज येलो देगा, ऑरेंज येलो। सिक्स है तो आपका ग्रीनी सेल हो देगा, ग्रीनी हेलो, और सेवन है तो आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। एट है आपका तो ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। और नाइन है तो ब्लू, नेवी ब्लू, इलेवन है तो आपका पर्पल, डार्क पर्पल, वायलेट, वायलेट, ये सारी चीजें देखो। यूनिवर्सल इंडिकेटर की सीरीज में है तुम्हारे पास डाटा, लिखो कहीं पे, यस सर, कहाँ लिखे, कॉपी में, कॉपी में मैं लिखवाया था, कभी आपने लिखवाया, सर लिखवाए थे हम लोग, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखे हो ना, यस सर। देखो अगर पीएच जीरो होगा तो कैसे याद कैसे करोगे, देखो जीरो से स्टार्ट करोगे, चौदह तक लिखोगे, ठीक है। अगर जीरो है तो डार्क रेड, ठीक है, फिर रेड रेड ऑरेंज रेड, ठीक है। देखो मिटेन मिटेगा कुछ ऐसा, अच्छा इधर देखो, शुरुआत में जीरो से स्टार्ट करोगे तो याद रखना कि रेड 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 तीन बार रेड, शुरुआत में तो डार्क होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद चौथे पे आओगे तो थ्री तक, तो थ्री तक तो आपका रेड ही है, जीरो वन टू टू तक रेड है। जब थ्री की बात आएगी, थ्री पीएच आएगा तो रेड, देखो ओवरऑल जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के थ्री, थ्री तक क्या है, रेड है, जीरो से लेकर थ्री, बस उसमें क्या है कि पहले वाले में डार्क है और चौथे वाले में क्या है, ऑरेंज है, बाकी सब तो रेड है, ठीक है। और जब रेड खत्म होगा, जब रेड खत्म होगा तो क्या होगा, ऑरेंज से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऑरेंज यहाँ पर भी, ऑरेंज यहाँ पर भी, ऑरेंज ऑरेंज दो ही बार है, एक पहले सिंपल ऑरेंज, फिर ऑरेंज येलो भी आ जाएगा, ठीक है। फिर यही जहां पे यहां से स्टार्ट हुआ येलो खत्म हुआ, यहीं से फिर ग्रीनी से लुआ स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका देखना सर्टिफिकेट कहीं पर मिल जाए तो अच्छी बात है, सर्टिफिकेट मुझे नहीं पता चला सर्टिफिकेट होगा, लेकिन किसी भी तरीके से इसको याद करना पड़ेगा,
60 अगर देखो अगर इस पर मैं थोड़ा 5-10 मिनट अगर हम लोग कंसंट्रेट करें तो कोई मिल जाएगा 60 में, ठीक है, यानी मिल जाएगा 60 में। याद करना है मेन मुद्दा है। अब कैसे याद करोगे, कैसे सिंपलीफाई करोगे, क्योंकि आपको अगर नहीं पता होगा कि पीएच रेंज में कौन सा कलर देगा तो आप एक दो नंबर भी सोच सकते हैं, इसमें कोई चांस नहीं है, ठीक है। अगले जाने तो ये याद करना पड़ेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर देख लो, याद करना पड़ेगा, लिख लो। अब चाहे जैसे याद करो उसको, तो अब बता देना कोई अगर साथी मिल जाए। डिस्टर्ब में कौन से लगा देंगे इसको? हाँ, डिस्टर्ब में कौन? डिस्टर्ब में? डिस्टर्ब दें। अच्छा, डिस्टर्ब। देखो। अच्छा कौन सा है? लेवल टेस्ट। अच्छा, पीएच वैल्यू पे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम लोग? सवाल न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल अगर हम बात करूँ न्यूमेरिकल की, तो वैसे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं, एक क्यों न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल होता है, अगर आपको पता है सारी चीजें ना तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा आपका। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, कि ये एक सोल्यूशन है, क्या है? एक्वस सोल्यूशन। उस एक्वस सोल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ऐसे ब्रैकेट लगा के इस तरीके से, ठीक है, बोला कि 1.0×10-12 मोल पर लीटर है, ठीक है, पर मोल लीटर है। अब इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे इस सॉल्यूशन का पीएच? एक एक्वस सॉल्यूशन है, जिस एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या है, इतना है, तो इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू बताओ। पीएच वैल्यू 12 कैसे निकाले? वो सिंपल तरीका, देखो पहले ओएच दिया है ना, अगर पहले ओएच दिया है तो पहले पीओएच निकाल लो, तो पीओएच निकालोगे माइनस लॉग 1×10-12, ठीक है। अब देखो वैसे अगर एक ना लिखे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर मैं एक को से हटा दूं इसे तो ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो ए वाला जो नंबर है इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस 12 और लॉग 10 बेस, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 यानी 12 हो गई पी ओ एच, ठीक है, कितना हो गया पी ओ एच 12 हो गया। अब पी एच प्लस पी ओ एच इसका तो 14 है, हाँ यही तो होगा, यस सर यही तो होगा। तो अगर पीएच प्लस 12 है इसका तो 14 है, तो पीएच इसका तो 2 कैसे बोले 14 है 12 कैसे बोले? पीएच आपको पूछा था सर, हाँ पीएच पूछा था ना, पीएच का सॉल्यूशन कैसा है बताओ, दिया तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है लेकिन सॉल्यूशन कैसा निकला? देखने से लग रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन दिया, इसका मतलब बेसिक वाला सॉल्यूशन है, लेकिन निकला क्या? एसिडिक निकला, ठीक है। अच्छा सोचो कैसे हो गया, मतलब दिया था ये हो गया कैसे? देखो
सोल्यूशन है, ठीक है, क्या है, कोई सोल्यूशन है। अगर प्योर वाटर की बात करोगे आप, देखो बता रहा हूँ, टीचर पढ़ाने पढ़ा देता है लेकिन जितना डेप्थ में ले जाऊंगा ना, याद रखोगे कोई टीचर था न, कोई बताया है इस लेवल पे, न कोई बताया है। इधर अगर आप बात करोगे प्योर वाटर की, प्योर वाटर की और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करोगे, तो क्या होगा? कल मैं बताया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10^-7 मोल पर लीटर। और हाइड्रोक्साइड आयन कितना होता है? यही होता है, 10^-7। ठीक है, अब इसमें पता नहीं क्या मिला दिया गया कि इसका कंसंट्रेशन मान लो सोल्यूशन में क्या कितना हो गया, कितना हो गया, 10^-12 -7 से कहां पे चला गया, -12। बताओ पहले जाते था कि अब जाते हैं? अब जाते हैं। अरे यार माइनस है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन प्योर वाटर में जाते था कि इस समय एक्वा सॉल्यूशन में पहले जाते था? पहले जाते, पहले ज्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया। कम कैसे हुआ होगा, जरा सोचो, -2 हो गया। कम ऐसे हुआ होगा कि इसमें क्या मिला दिया गया होगा, एसिड, क्या मिला दिया गया होगा, एसिड। तो जो कुछ देखो एसिड जब देगा या चायन देगा, कुछ या चायन क्या होगा, वो या चायन से रिएक्ट कर गया होगा, तो हाइड्रोजन अगर आयन रिएक्ट कर गया होगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट हाइड्रोक्साइड नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन घट गए होंगे, नहीं घट गए होंगे, घट गए होंगे तभी तो आया होगा, यानी एसिड मिलाने के यानी वो समसम किस तरह होगा, एसिडिक रहा होगा। ठीक है, बस यही एक एक नंबर का लगा दे, कोई जबरदस्त नंबर का लगा। अच्छा आप बात करोगे, मान लो कोई भी सलूशन है, क्या है, कोई सलूशन है, उस सलूशन के अंदर अगर यह चार्ज कंसंट्रेशन और वो यह चार्ज कंसंट्रेशन इक्वल है तो कैसा सलूशन होगा, न्यूट्रल। yes, जितने या चाहे उतने हो या चाहे, तो दोनों आपस में क्या हो, रिएक्ट कर गए, न्यूट्रल हो गया। अगर पदार्थ से मान लो अगर रिएक्शन भी ना किए हो तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि ये इसको एसिडिक बनाना चाहेगा, इसको बेसिक बनाना चाहेगा। ठीक है, एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी दोनों इक्वल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, हाँ OH से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर वो एच कम ज्यादा हो जाए तो बेसिक हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका सारी चीजें। देखो ये सीएल की मैं बात करता हूं, अगर ये सीएल गैस है, क्या है, ये सीएल गैस होता है। ठीक है, और अगर ये सीएल गैस को वाटर में डिजॉल्व ना किया जाए, यानी वाटर में डिजॉल्व ना किया जाए, तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर इसे वाटर में डिजॉल्व करके इसका एक्वा सॉल्यूशन बना दिए तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो याद रखना हाइड्रोजन क्लोराइड कहेगा तो उसका मतलब कुछ और है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेगा कुछ और है, एक्वा सॉल्यूशन। ऐसा ना हो कि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं शब्दों को बजा दे, लोग समझ ना पाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एक्वा, हाँ, अगर वाटर में डिजॉल्व कर दिया गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर डिजॉल्व नहीं किया गया गैस फॉर्म में तो हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो कुछ चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी लाइफ एवरीडे लाइफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक सवाल दिया गया है अभी बताता हूं, और मैंने T/2 में इसको रखा भी है, समझ गए ना।
देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब पीएच जो है हम पीएच पीएच चिल्ला रहे हैं, ये पीएच की कुछ इंपॉर्टेंस होगी, बिल्कुल होती है। ये जो पीएच वैल्यू है ना बहुत चीजों को डिसाइड करता है, ठीक है, बहुत चीजों को कि हमें क्या मतलब कितना पीएच। इसमें मान लो कि क्या है कि कुछ चीजें होती हैं जो एक डिफरेंट पीएच पे ही चीजें होती हैं, प्रोसेस प्रोसेस की बात करो, जैसे डाइजेशन हो गया, अगर डाइजेशन होना है तो पीएच कितना चाहिए आपका, 1.5 के करीब चाहिए, क्या चाहिए 1.5। अगर पीएच इतना आपके स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक जो आपके ग्लैंड होते हैं, थैली जो होती है, ठीक है, स्टोमक में अगर उसका पीएच इतना है तो आपका जो फूड का डाइजेशन होगा वो बढ़िया से होगा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा डाइजेशन, स्लो हो जाएगा प्रोसेस। तो अच्छे डाइजेशन के लिए हमारे पेट का, हमारे स्टोमक का पीएच कितना होना चाहिए, 1.5 के करीब होना चाहिए। और वही है कि कभी कभी हम कुछ ऐसे चीजें है मतलब स्पाइसी चीजें खा लेते हैं जिससे क्या होता है कि हमारे पेट हमारे स्टोमक में हाइड्रोलाइट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उससे बोलते हैं एसिडिटी। वो तो बता चुका हूँ मैं कि उसके लिए क्या लेते हैं हम लोग फिर एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। अगर मान लो तुम्हारे स्टोमक में एसिडिक एसिड ज्यादा हो गया तो इसको अगर ले लोगे तो ये बेस बेस का करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, रिएक्शन कर लेगा ना इससे, जो एक्सेस हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो गए हैं उसे रिएक्शन करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, कम कर देगा उसको, फिर से पीएच क्या हो जाएगा इतने के इक्वल हो जाएगा। और फिर आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले लेते हो, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, खाने का भी सोडा होता है। उस दिन इनो पूछ रहे थे ना, तो इनो में भी मैंने कंपोजिशन चेक किया, इनो में भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, उसमें भी क्या रहता है इन्वॉल्व रहता है। अच्छा अगर आप बात करते प्लांट की, तो प्लांट जो होते हैं पेड़ पौधे, ऐसा नहीं है कि उनके वजह से हमारे लिए बहुत कम मतलब अपनी चीजें क्या करते हैं कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आप ये खाइए वो ना खाइए, आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है खराब है, तो वैसे प्लांट भी होते हैं। अगर प्लांट के ग्रोथ की हम बात करें तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है, ठीक है, वह एक डिफरेंट पीएच में क्या होता है, उसका ग्रो अच्छे से होता है। अगर पीएच रेंज प्लांट का जो भूमि है, जो सॉयल है जिसमें प्लांट लगा हुआ है, उस सॉयल का अगर पीएच 7 के करीब है तो क्या होगा, उसका ग्रोथ अच्छे से होगा, क्या होगा अच्छे से होगा। अगर पीएच डिस्टर्ब हुआ मिट्टी का, 7 से ज्यादा हो गया है 7 से कम, तो इसका जो ग्रोथ में ग्रोथ उस तेजी से या क्या होगा, तेजी से नहीं हो पाएगा, उसमें कई तरीके के डिफेक्ट आने लगेंगे, रोग आने डिजीज आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें देखो आजकल किसान जो है ना वो ज्यादा बस अनाज उगाने से मतलब है, लेकिन हम अपनी मिट्टी का कभी क्या करते हैं टेस्ट करते ही नहीं है कि हमारी मिट्टी का पीएच कितना है, उसमें कौन से एलिमेंट की कमी है, ये सारी चीजें बस खाद डालते रहो। इन्हें पता है कि खाद में नाइट्रोजन रहता है, जो आपका यूरिया है नाइट्रोजन है ना, अमोनिया में 60 अमोनिया सॉरी यूरिया में 46% नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन किस लिए जरूरी होता है, नाइट्रोजन आपके सेल बनाने में यूज होता है, टिश्यू बनाने में यूज होता है, ठीक है, कि वजह पे वहां पे टिश्यू नहीं, आपके जो मैं बात करूं अगर नाइट्रोजन किस लिए यूज होता है, प्रोटीन बनाने में, किस बनाने में प्रोटीन, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन प्रोटीन में उसमें नाइट्रोजन यूज होता है, या ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। तो अगर आप बात करते नाइट्रोजन की,
तो वो तो जारी सी बात है, यूरिया आप डाल रहे हो तो उसमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रेट के फॉर्म में बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट में चेंज कर देता है ना। पहले हम खाद छिड़कते हैं, खाद होता क्या है, जो हम यूरिया जो होता है H2CO, वो ब्रेक होता है किसमें, अमोनिया गैस में, अमोनिया गैस रिलीज होती है और इस अमोनिया गैस को बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रेट में चेंज कर देता है और इस नाइट्रेट को प्लांट जो होते हैं अपने जड़ों से क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, ठीक है। और इसी को क्या उनके लिए फूड का काम करता है नाइट्रेट, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं अपना डेवलपमेंट हो जाता है, उनका पूरा बॉडी बन जाती है प्लांट की। अब प्लांट में तो वही कर रहा हूँ ना, अपने भूमि का पीएच हमेशा मतलब क्या हम लोग चेक करवाना चाहिए कि हमारे जो प्लांट मतलब फील्ड है जो हमारी खेतें हैं उनका पीएच कितना है, उसके हिसाब से मान लो कि हमारे भूमि का अगर पीएच 7 से कम हो गया क्या हो गया, कैसे चेक करेंगे सर? अरे उसे आते हैं हमारे पास ऐसा कोई नहीं सुविधा, लेकिन तो आप लैब में भेज सकते हो, आप किसान अगर हो तो अपनी मिट्टी का थोड़ा कर लीजिए आप लैब में भेज दीजिए, उसका सिस्टमेटिक ढंग कभी कभी चेकअप करने भी आते हैं किसी मंत्रालय से या जो आपकी सोसाइटी बनी हुई है आपके जिले में भी एक होगा हेडक्वार्टर किसानों के लिए, ठीक है, कार्यालय वहाँ से इनका काम रहता है भागा दौड़ी करके पता करना कि मतलब फसल मिट्टी की जाँच करना सारी चीज़ें कोई करता नहीं है ना। तो अगर मान लो पीएच हमारा क्या है 7 से कम है तो कुछ हमें ऐसा चीज डालता मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भूमि मिलाना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए किस नेचर का, अगर पीएच 7 से कम है यानी भूमि आपकी एसिडिक नेचर की हो गई, जैसे मान लो कि आपके सुने हो एसिड रेन का नाम सुने हो, उसमें क्या होता है जो आपकी बरसात होती है उस बरसात में सल्फ्यूरिक मतलब सल्फ्यूरिक बोला उसमें एसिड चाहे H2 चाहे H2SO4, ठीक है, ये भी थोड़ा उसमें क्या हो उसमें इन्वॉल्व होकर के बरसात के साथ में ड्रॉप मतलब जो आपकी बरसात होती है उस वाटर के साथ में थोड़ा एसिड भी आपका बरसात होती है उसके साथ में एसिडिक रेट तो पड़े हो ना, तो भूमि क्या रहती है, तो हमें बेसिक प्रॉपर्टी कुछ मिलाने पड़ेंगे, क्या मिलाने पड़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी में अगर पीएच 7 से ज्यादा हो गया तो एसिडिक प्रॉपर्टी की, ठीक है। इसे आपके जो गोबर होता है गोबर ना, तो गोबर किस नेचर का होता है वो नहीं पता, वो बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, किस प्रॉपर्टी का, बेसिक प्रॉपर्टी का। और आपके अगर जो पुआल होते हैं पुआल वो एसिडिक नेचर के होते हैं, किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे मान लो आपने अपने खेतों में आपने धान काट लिया तो जो उनके ऊपर पराली रह जाती है उसकी, ठीक है, उसको अगर आप वहीं पर मतलब छोड़ देते हो तो जो भी अगर आपके उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है तो आपके भूमि को क्या कर मेंटेन कर देता है, ठीक है। तो एक प्लांट की है, मेन मुद्दा यह है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, पीएच कितने का रेंज होना चाहिए, सेवन का होना चाहिए, ठीक है। अब बात करूँ अपनी दांतों की, दांत की बात करता हूँ, देखिए जो आपके टूथ इनेमल है मसूड़े जो है आपके, ठीक है, वो किससे मिले बने होते हैं, कार्बो कैल्शियम कैल्शियम CA3 PO2 का बोल कर, ठीक है, इसके 3 वैलेंसी होती है फास्फेट की, इसलिए इधर आया है, और कैल्शियम की 2 होती है इसलिए इधर आया है। कैल्शियम फास्फेट से आपका टूथ इनेमल मिला होता है, आपके मसूड़े, ठीक है, बना होता है। अब बात यह आती है कि आपके माउथ में जो डाइजेशन होता है क्या होता है, डाइजेशन होता है, वह किस पीएच रेंज में होता है आपका, 5.5, किस 5 में, 5.5 नहीं, देखो आपके जो टूथ इनेमल है वो कैसे फास्फेट से मिलके बने होते हैं, अगर टूथ इनेमल देखो ये जो टूथ इनेमल है यानी जो कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बना है टूथ इनेमल, लुक जो भी देता हूं टूथ इनेमल मसूड़े आपके, देखो अगर ये जो सबस्टांस है कैल्शियम फास्फेट ना बहुत हार्डेस्ट सबस्टांस है, क्या है, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हार्ड अगर कोई सबस्टांस है तो यही है। और एपीवाई को मैं पूछा जा चुका है, अभी तुम्हें कोई पूछ रहा था उसे, यस
पूछा जा चुका है कौन सा सब्सटेंस हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, तो कैल्शियम फास्फेट मसूड़े हमारे कुछ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हार्डेस्ट होता है हमारी बॉडी में, हार्डेस्ट सबसे। लेकिन अगर इस सब्सटेंस का या हमारा माउथ का पीएच अगर 5.5 से कम हो गया, कितने से 5.5 पीएच वैल्यू अगर हमारी माउथ की 5.5 से कम हो गई, तो देखो ये जो सब्सटेंस है, ये जो कैल्शियम फास्फेट सब्सटेंस है, ये क्या होता है कि वाटर में आपका डिजॉल्व होता कि नहीं होता है, डिजॉल्व नहीं होता है ना। कैल्शियम फास्फेट अगर सोचो अगर डिजॉल्व हो जाता तो हमारे मसूड़े एकदम मान लो पानी रखे हुए हैं, अपने माउथ में अगर पानी लिए हुए हैं तो धीरे धीरे करके तो खराब हो जाएगा हमारे मसूड़े। यस सर, कभी कभी खराब हो जाता है सर, वो तो दूसरा कारण है पीछे। तो जो कैल्शियम फास्फेट होता है या वाटर में डिजॉल्व नॉट डिजॉल्व अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से क्या हो जाए कम होने लगे, ठीक है, तो क्या होने लगता है, एक जो कैल्शियम फास्फेट है, ठीक है, अब 5.5 से कम होगा तो ये जो है ना इसमें आपके खराबी हो इस डिजॉल्व होने लगता है। देखो ये जो कैल्शियम फास्फेट है ये आपके ऐसे सोल्यूशन में जिसका पीएच 5.5 से कम है उसमें डिजॉल्व हो जाता है, तो आपके मसूड़े के लिए दिक्कत है नहीं, अगर वो डिजॉल्व हो जाएगा मसूड़े आपके धीरे धीरे करके तो खराब हो जाएगा तो मसूड़े। इसीलिए जब खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो बहुत सारे बीच में हमारे रह जाते हैं दांतों के बीच में, बहुत सारे फूड पार्टिकल शुगर रह जाते हैं, और जो रहते हैं तो बैक्टीरिया हमारे जो माउथ में बैक्टीरिया है हमारे माउथ में बैक्टीरिया है, हाँ वो अलग बात है कि हमारा जो लार है, ठीक है, बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है, बैक्टीरिया को मार देता है, लेकिन रात में क्या होता है वो जो लार होती है स्लाइवा वो बन नहीं पाती है, रात में नहीं बनता ना, रात में बनता है लार, अरे वो जिसको बीमारी अलग बात है, जिसको बीमारी अलग बात है, लेकिन हमारे दांत में नहीं बनते हैं, तो जो बैक्टीरिया देखो हम फूड ले रहे हैं तो उसके साथ में बैक्टीरिया जा रही है, लेकिन जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को हमारा जो लार है इतना पावरफुल है वहीं पे माउथ में ही मार सकता है, तो अंदर जाने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन रात में क्या होता है बनता नहीं है दवा, ठीक है, उस समय क्या होता है बैक्टीरिया का ग्रोथ हमारे माउथ में ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हमको सुबह सुबह बहुत खराब सा बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो जो आपके फूड पार्टिकल है जो हमारे माउथ में रह गए हैं उसको क्या करता है डीकम्पोज कर देता है, क्या कर देता है, जैसे जो फूड होते हैं फूड पार्टिकल या आपका शुगर, फूड पार्टिकल या शुगर ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, बैक्टीरिया जो क्या कर देता है इसको तोड़ देता है, क्या करता है डीकम्पोज कर देता है, बायोडिग्रेडेबल कर देता है, ठीक है, तो जब ये टूट जाता है तो टूटने पे क्या बनता है लास्ट में जाकर के ऐसे ही बनने लगता है, बैक्टीरिया जो है इसको फूड पार्टिकल या शुगर मॉलिक्यूल किसमें चेंज करने लगते हैं एसिड में। तो होता क्या है कि जब अगर हम एसिड बनाने लगे हमारे माउथ में वही जो फूड है जो हमारे माउथ में रह गए थे वो क्या होने लगे धीरे धीरे करके एसिड बनाने लगे, एसिड बनने लगे, और जब एसिड बनने लगेगा ये इसलिए दिक्कत है डीके होने लगे नहीं होने लगे कैल्शियम फास्फेट, इसीलिए हमको क्या बोला जाता है खाने खाने के बाद खाना खाने के बाद में हमें क्या करना चाहिए ब्रश सफाई कर लेनी चाहिए, ब्रश कर लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो फूड पार्टिकल है वो फूड पार्टिकल रह जाए हमारे माउथ में, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो हमारे मसूड़े के लिए दिक्कत, ठीक है, हमारे मसूड़ों के लिए क्या है दिक्कत। अब जो आप कोलगेट करते हो वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो जो हम कोलगेट करते हैं या कोई और टूथपेस्ट करते हैं तो उसमें जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं
जो आपके एसी बनाए रहते हैं आपके माउथ में, इसके साथ में क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारा ये कैल्शियम फास्फेट होगा सेफ रह जाता है। तो ये पीवाईपी का 2-3 नंबर का पूछा गया सवाल ऐसे था आपका कि व्हिच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी एंड व्हाट वी शुड फॉर प्रिवेंशन ऑफ आवर टूथ इनामल डीके। उसके मैं उसको उसके बारे में पूछा था, फुल एक्सप्लेन करने को बोला था क्या होता है, क्यों प्रिवेंशन करना चाहिए। तो 2-3 नंबर में से बन सकता है और ये दिया भी गया है, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया। हाँ, जैसे आप मधुमक्खी की बात करोगे, किसकी मधुमक्खी, तो मधुमक्खी बी जो मधुमक्खी होती है उनके डंक होते हैं ना स्टिंग, तो जो इनके स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है मधुमक्खी के बी स्टिंग में, मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड सही बात है, मेथनोइक एसिड, ठीक है, या फार्मिक एसिड भी इसको बोलते हैं। तो अगर मान लो मधुमक्खी आपने आपको डंक मार दिया, छेद दिया, तो आप क्या करना चाहिए आपको वहां पे बेंग भी लगा। हाँ बिल्कुल, आप कॉस्ट लगा सकते हो अगर, क्योंकि ए अब जान के देखो जब स्टिंग मारती है तो ए जो जब स्टिंग मारती है तो क्या छोड़ती है मधुमक्खी, मेथनोइक एसिड। और ये जो मेथनोइक एसिड होता है जलन पैदा करता है, इरिटेशन पैदा करता है और पेनफुल होता है, क्या होता है दर्द भी करता है। तो अब क्या होता है बाहर कर दिया वैसे, हाँ जहाँ पे सोर्स आई सी तो लैब में जाओगे तो आजकल जब लोग क्या क्या खा ले रहे हैं, मारने में क्या दिक्कत है लोगों को, आज मारने में क्या दिक्कत है, मार देते हैं उसको, गर्म करते हैं उसको, ठीक है, डिस्टिलेशन करते हैं उसको, निकालते हैं उसी से बनता तो है। और काम उसका सोर्स क्या है, फार्मेसी का क्या सोर्स है, आंटी तो है। अब देखो अभी जलन पैदा करता है, इरिटेशन पैदा करता है, अब इसमें हम क्या कर दें कि कुछ ऐसा सब्सटेंस मिला दें तो वो एसिड के चक्कर में बेसिक तक मिला देंगे, अगर हम बेसिक मिला देंगे अगर हम कोई चीज कोई सब्सटेंस तो बेस क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिए, मतलब मिलाया नहीं जाता, रगड़ा जाता है, क्या करेगा, कास्टिक सोडा कहाँ मिलेगा, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूँ ना, कहाँ मिलेगा, अरे है तो ठीक है, जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, तो बेकिंग सोडा घरों में खाने के लिए यूज होता है, ठीक है, उसका पाउडर आता है, उसको अगर आप रगड़ लोगे तो आप जानते हो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस सीओ टू रिलीज होगी प्लस H2O, तो आपके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। या हमारे समय में क्या होता था कि चूना, चूना जानते हो जिन कुछ का खाया है, अच्छा देखो हमारे पिताजी को या हमारे बाबा बाबा को नहीं पता था कि चूने में क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना पता था कि इसको क्या कर देगा, अगर मारा है मधुमक्खी मारी है तो इसको लगा दो सही हो जाएगा। ये भी दुलंता है, हां ऐसा मिला है, हां ये भी दुलंता है, कैसे हाइड्रोक्साइड कोरोसिव में चल रहा है, अरे यार इतना स्ट्रांग नहीं होता है भाई, और जो चूना यूज करते हो वो पता है कि प्योरली कैसे हाइड्रोक्साइड प्योर ही होता है, नहीं होता है, कुछ परसेंटेज होते हैं ना, और चूना लगता है ना सर, चूना हां नहीं इतना ज्यादा नहीं लगता है, कुछ लोग मक्खी छटते ही नहीं है तो जो रंग होता है उनको पेट नहीं होता है, अपना अपना अभी तो ऐसे बता दे। और बी स्टिंग में भी पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अंट में भी पाया जाता है,
ठीक है, मतलब चीटी में। और एक और पेड़ भी होता है, ट्री प्लांट, नीडल स्ट्री, हाँ नीडल का नीडल प्लांट, नीडल प्लांट, नीडल प्लांट में भी क्या पाया जाता है, फार्मिंग एसिड, फार्मिंग एसिड पाया जाता है। तो वो क्या करने लगता है आपको, वो भी जलन करने लगता है, आप उसे जैसे टच किए मधुमक्खी में आपका पाया जाता है फार्मिक एसिड, लेकिन हड्डे में आपके अल्कलाइन लिक्विड छोड़ता है, अल्कलाइन, अल्कलाइन लिक्विड, यानी बेसिक प्रॉपर्टी की कोई लिक्विड छोड़ता है और उसमें बेस होता होगा, लेकिन नाम नहीं बताया आपने कौन सा अल्कलाइन, तो पक्का है कि क्या उसका बेस होगा, कोई हमको पता ना बता, इसमें तो नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, क्या आपको पता है, लिखा है इसमें, बता दें भूल गए, तो हड्डा मारते तो क्या करना चाहिए क्या? अब देखो अगर अल्कलाइन लिक्विड छोड़ा हुआ है तो आप एसिड लगा दो, आपके घर में अगर सिरका रखा हुआ है तो जहां पर हड्डा मारा हुआ है उसमें क्या लगा दो, सिरका लगा दो, फिर हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो। और जो अभी बात कर रहा था मैं, जो प्लांट का नेटल, ठीक है, जो हर्बेसियस प्लांट, हर्बेसियस एक कोई कैटेगरी होती है क्या प्लांट की, ब्यूटी कैटेगरी, हाँ तो बायोलॉजी के रूप में तो जानते हो, तो हर्बेसियस जो उस कैटेगरी का एक प्लांट होता है नेटल, तो नेटल बायोलॉजिकल फूल हो गया, ठीक है, क्या मतलब है जो कहां पाया जाता है, कभी कभी जंगलों में जाना, और इसकी जो पत्तियां होती है, ठीक है, अभी गूगल पे सर्च मारोगे तो मिल जाएगा तुमको, ठीक है, गांव में भी मिलता है, हाँ, इसके जो पत्तियां होती है ऐसे मतलब स्पाइरल टाइप के, ठीक है, स्पाइरल टाइप के होते हैं, और जो हर्बेसियस कैटेगरी का प्लांट होता है, और ये छोड़ता क्या है, मेथनोइक एसिड, क्या छोड़ता है, अगर गलती से वहां पे आपने क्या किया, आप टच कर गए गलती से, तो आपको लगेगा ऐसे सुई नहीं चुभती है, एक करंट जैसा लगता है, पेन देने लगता है, वैसे आपको करंट जैसा लगेगा, कैसा लगेगा, करंट, करंट जैसा लगेगा, ठीक है, तो वहां पे अगर मान लो गलती से आप टच कर गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब वही है, वहां पे एक और प्लांट होता है, जैसे मान लो कि वो प्लांट का नाम है आपका डक प्लांट, क्या नाम है इसका, क्या सर, डक प्लांट, अच्छा इस जनरेटर का क्या नाम है, बिच्छू पेड़, बिच्छू ऐसे बिच्छू नहीं मारता तो करंट है, वैसे इसलिए क्या नाम क्या, बिच्छू प्लांट, ठीक है, इसी के जहां पे मिलेगा वहीं पे उसके पास में ही एक और प्लांट आपको कहीं पर, मतलब दोनों साथ साथ में रहते हैं, कौन, डक प्लांट, डी यू सी के, मतलब अपना मेडिसिन में कूद देते हैं, तो डक प्लांट जो छोड़ क्या छोड़ता है, ये एल्कलाइन लिक्विड छोड़ता है, ठीक है, तो वहीं पे अगर उसका लीक होगा कहीं पे रब कर देना तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और दोनों साथ में पाया जाएगा, यहाँ नेटर पाया जाएगा वहीं भी पाया जाएगा, नहीं तो डक प्लांट आप कहाँ खोजोगे, पहचानना भी चीज है, तो अब साल्व करते हैं,